नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुप्पुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश युवा नेता रमेश शिवा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने तिरुप्पुर रेलवे स्टेशन के पास कुमारन स्मारक पर कुमारन को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया। आगामी चुनावों में और भाजपा के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए विभिन्न पार्टी कार्य पर चर्चा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में कई योजनाएं लाई हैं। विशेष रूप से छोटे सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को कई ऋण प्रदान किए गए हैं। तिरुप्पुर जिले को ऐसी ऋण सहायता के माध्यम से जिले को अत्यधिक बैंक ऋण योजनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। RSS की रैली एक ऐसी घटना है जो हमेशा हो सकती है और पहले अनुमति लेने के लिए अदालत जाने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन अब एक छोटे से विरोध के लिए भी थाने में अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां आपको अनुमति लेने के लिए अदालत जाना पड़ता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासक मौजूद थे। तिरुप्पुर संवाददाता सुब्रमणि की रिपोर्ट। இந்த மாவட்டத்திற்கு இந்த மாவட்டத்தை சார்ந்த பல அவர்கள் வந்து சிறப்பாக எதிர்பார்த்து இவ்வளவு எழுச்சியாக இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால வந்து உங்க எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கிட்டு நான் மாவட்ட செயலராக எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு